या इन प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जिन लोग का अभी सीएसएफ एचसीएम 2022 का पेपर हुआ है, तो उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस रॉन्ग थे। काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि क्वेश्चन जो है उसमें गलत आए हैं, यानी आंसर शीट जो भी आई है उसमें क्वेश्चन कुछ गलत हैं। तो आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया या नहीं किया, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है, ये मुझे जानकारी मिली है। तो देखिए, ऑब्जेक्शन किया है तो आप लोग की जो है रिवाइज आंसर शीट अवश्य आ जाएगी और टाइम पे आ जाएगी। जब भी आप लोग की जो है रिवाइज आंसर शीट आए, आप लोग क्या करिए, आप लोग उसका जो है अपने पास प्रिंट आउट जरूर रखें सेव करके। अगर फिर से कोई गलतियाँ होती हैं या फिर कोई रॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बाद आपको एक मौका मिल सकता है। कभी आगे अगर एक दो नंबर से आप लोग रुकता है तो आप लोग कोर्ट जा सकते हैं, कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आप लोग का वो पीडीएफ काम आ सकता है। तो आप लोग आंसर शीट की पीडीएफ अपने पास जरूर रखें, और आप लोग की आंसर शीट जल्दी आने वाली है ऑब्जेक्शन वाली, तो ठीक है। अब क्योंकि सारे प्रोसेस बहुत जल्दी हो रहे हैं सीएसएफ की तरफ से, तो जो भी क्वेश्चन रॉन्ग थे उसके जो है आप लोग के आंसर शीट दोबारा जारी की जाएगी। क्योंकि ऐसे अगर गलती रहेगी तो फिर आप लोग के भी रिजल्ट पे भी काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ आप लोग को पता है कि अच्छी खासी कट ऑफ जाने वाली है। तो इसलिए जैसी ऑब्जेक्शन की आंसर शीट आती है, आप लोग अपना ऑब्जेक्शन जो क्वेश्चन हुए थे, जो भी आप लोग के गलत थे, वो क्वेश्चन जरूर क्लियर कर लें कि आप लोग के अब सही है कि नहीं है, कितने कट ऑफ बन रहे हैं, कितने नंबर बन रहे हैं। अगर नंबर आप लोग के ठीक ठाक है तो आप लोग का जो है रिजल्ट में नाम आ जाएगा और आप लोग को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी टाइपिंग होने वाली है। तो आप लोग जिनका नंबर ठीक ठाक बन रहे हैं बिना ऑब्जेक्शन वाले, ठीक है, तब भी आप लोग जो है क्या करें, टाइपिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइपिंग के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आप लोगों को पता है क्योंकि 2019 में भी सेम प्रोसेस ऐसा हुआ, जब तक रिजल्ट नहीं आया, लेकिन रिजल्ट आने के बाद तुरंत टाइपिंग करा लिया गया, ठीक है। तो टाइपिंग वहाँ जो है वहाँ की टाइपिंग है बहुत जल्दी हुई है, तो उसी हिसाब से आप लोग का 2022 वाली भी टाइपिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अपनी टाइपिंग पे कमांड रखें, टाइपिंग बहुत अच्छे से करें, और क्योंकि टाइपिंग में बच्चे बहुत बाहर होते हैं। और टाइपिंग आप लोग को ऑफलाइन मोड पे करनी है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एमएस वर्ड पे आप लोग को टाइपिंग करनी है और पेपर बगल में रख के करनी है। मैटर्स जो है जितना छोटा होगा आप लोग के लिए, मतलब छोटा मतलब जो भी क्या होंगे, जो फॉन्ट होंगे वो थोड़े छोटे रहेंगे तब भी, क्योंकि आप जो न्यूज़पेपर आता है इंग्लिश वाला, वहाँ से आप लोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और स्पीड आप लोग अच्छी करें, एक्यूरेसी अच्छी करें, तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रोक काउंट होते हैं तो स्ट्रोक ही काउंट होंगे आप लोग के भी। तो आप लोग टाइपिंग करते रहें, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोग को टाइपिंग करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, जब भी आप लोग जैसी आंसर शीट आती है रिवाइज वाली, मैं आप लोग को बता दूंगा। आप लोग चैनल पर जरूर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोग को आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।